हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको मोटा होने वाला थायराइड हो गया है, विच इज़ हाइपोथायराइडिज्म, तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस होती हैं जो आपका साथ देती हैं, कौन सी मेडिसिंस आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके सिम्टम्स पे ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इन शॉर्ट अभी हम बता देते हैं इस वीडियो के हिसाब से। हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपका T3 T4 लेवल मतलब हार्मोन्स कम बन रहे हैं और TSH ज़्यादा हो गया है। ये आपकी ब्लड बोर्ड में बेसिकली आपको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इसलिए देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि आपको जब भी नॉर्मली हार्मोन का सिक्रेशन कैसे होता है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो होता है, जिसको एक हार्मोन निकालता है जिसको कहते हैं TRH, जिसको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। हाइपोथैलेमस सारी कमांड संभाल के रखता है। वो हाइपोथैलेमस जाके एंटीपिट्यूटरी से कहता है जाके तुम थायराइड से कहकर आओ कि उसका वक्त आ गया है थायराइड हार्मोन निकलने के लिए, जाके तुम अपना TSH हार्मोन जाके उसको दो। तो एंटीपिट्यूटरी TSH हार्मोन निकालती है जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नॉक करता है थायराइड ग्लैंड को, नॉक, जा अपना T3 T4 निकालो। और T3 T4 मतलब थायराइड ट्रायडोथायरोनिन वो निकाल देता है। ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया। जब वो निकाल देता है ना दोस्तों, सारा अपना काम करने के बाद, मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी उसका काम होता है वो करने के बाद, फिर वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है कि अब जो भी काम था वो अपना पूरा हो गया है, आप जाके TSH से कह दीजिए वो नॉर्मल हो जाए। ये इसका काम। अब ऐसे में जब आपको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन हो जाएगी ना दोस्तों, तो T3 T4 लेवल तो आपका कम हो जाएगा, बट TSH बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि T3 T4 कम है। इस वजह से दैट्स वाई वो हाइपोथैलेमस से जाके कह नहीं पा रहा है कि तुम TSH से जाके बोलो, मतलब एंटीपिट्यूटरी से जाके बोलो कि TSH अपना नॉर्मल करे। इस वजह से TSH तो बढ़ा हुआ ही है दोस्तों। तो आपको ब्लड रिपोर्ट में बेसिकली ये देखने को भी मिलता है। अब हाइपोथायराइडिज्म क्या है? मोटा होने वाला मोटापा दोस्तों। तो ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम सिमिलैरिटी पर बहुत अच्छा रोल करती है। द फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हाइपोथायराइडिज्म इज कैल्केरिया कार्ब दोस्तों। जी हाँ, कैल्केरिया कार्ब इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट योर हाइपोथायराइडिज्म प्रॉब्लम दोस्तों। क्या होता है इसमें, आप कैल्केरिया कार्ब का पेशेंट, आप मोटे हो जाते हो, आप थुलथुले हो जाते हो और थुलथुले टाइप का इंसान हो जाता है, आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी रहती हैं, साथ ही साथ आपको बहुत पसीना आता है, स्पेशली आपके सर में आपको बहुत पसीना आता है, और आपको अनडाइजेस्टेड चीज़ें जो होती हैं, चौक, मिट्टी, लाइम, ये सब खाने की डिज़ायर भी होने लगती है, क्योंकि आपके अंदर खून की कमी भी हो गई है। तो ऐसे में कैल्केरिया कार्ब इज़ वन ऑफ द मेडिसिन टू ट्रीट योर थायराइड प्रॉब्लम। कैल्केरिया था 30 आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। अनदर मेडिसिन आपने कई जगह देखी होगी, आप हाइपोथायराइडिज्म में ज़रूर लीजिए, इस थायरोडिनम 3X दोस्तों। थायरोडिनम 3X क्या होती है दोस्तों? हम लोग की जो होती है दोस्तों, जिससे मतलब समान से समान की चिकित्सा की जाती है। ये ड्राइड थायराइड शिप ग्लैंड से बनी है, मतलब थायराइड से ही बनी है, ड्राइड शिप ग्लैंड से। तो वो थायराइड पे आपका बहुत अच्छा रोल हो रही है। जो भी आपके थायराइड की ग्लैंड की समस्या हो गई है, आपकी कमजोरी, थकान, अनियमितता, ये चीज़ों को ठीक करने में मदद करती है थायरोडिनम मेडिसिन। थायरोडिनम 3X आप सुबह दोपहर शाम दो गोली चूस सकती हैं आपको। अनदर मेडिसिन फॉर हाइपोथायराइडिज्म दोस्तों इज ग्रेफाइटिस दोस्तों। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आप मोटे होने के साथ साथ आपका पेट भी साफ नहीं हो पाता, वो कहलाता है कब्ज की समस्या होने लगती है, बहुत पुराना कब्ज। साथ ही साथ साथ आपके ना दिमाग, आप ना आपको मेंटली भी आपको ना डिप्रेस होने लगते हो, एंग्री होने लगते हो, चिड़चिड़े टाइप के होने लगते हो, और आपको ना आपका मेंटल स्टेटस होता कहीं अच्छा नहीं लगने लगता है आपको, मतलब ये सारी मेंटल चीज़ों की चीज़ें भी ठीक करती है। एज वेल आपके जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही हैं वो भी ठीक करती है ग्रेफाइटिस 30। ये हाइपोथायराइडिज्म की मेडिसिंस बता रही हूँ मैं आपको, है ना। मैंने आपको कैल्केरिया कार्ब बताई, मैंने आपको ग्रेफाइटिस बताई, मैंने आपको थायरोडिनम बताई। अनोडर मेडिसिन बहुत अच्छी हाइपोथायराइडिज्म में रोल करती है दोस्तों, विच इज़ फ्यूकस वेसिकुलस। फ्यूकस वेसिकुलस क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों, आपके मोटापे के लिए एक
ओबेसिटी कटर की तरह काम करती है। आप बहुत मोटे हो गए हो तो आपके फैट को कम करने में मदद करती है, एज वेल एज क्योंकि आपने कई जगह देखा होगा सी वीट खाने की आपको बोला जाता है, तो मतलब वो जो समुद्री शैवाल होती है ना दोस्तों, तो उसी से ये बनती है। इसमें आयोडीन की मात्रा भी अच्छी खासी होती है, जो आपकी आयोडीन की कमी है उसको पूरा करने में ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल करती है। इसको मदर टिंचर के फॉर्म में आप लीजिए, 10 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, और आपकी उसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से रखना है, आपको सुबह शाम भी ले सकते हैं, एज़ पर आपका जो भी रेफरेंस रेज रिज़ल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों ये हो गई आपकी ये हाइपोथायरायडिज्म मेडिसिन। अनदर जो मेडिसिन आप हाइपोथायरायडिज्म में ले सकते हो विच इज़ सीपीआर। दोस्तों सीपीआर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि आपको हाइपोथायरायडिज्म हो गया, आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही है, आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप जल्दी से कुछ भी मतलब सही से फैमिली मेम्बर से भी आप इनडिफरेंट हो गए हो, और साथ ही साथ आपका हेयर फॉल भी हो रहा है, ये सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करती है सीपीआर मेडिसिन। दोस्तों अनदर बहुत सारी मेडिसिन होती हैं विच इज़ पल्सिटिला, आप जल्दी से रोने लगती हो, और भी जो मेडिसिन होती है विच इज़ फाइटोलका डिकेंड्रा। दोस्तों हम सब सिम्टम सिमिलैरिटी पे उस मेडिसिन को दी जाती हैं दोस्तों, कि एट प्रेजेंट आपके क्या सिम्टम हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों कोई भी थायराइड की मेडिसिन आप खुद से ना लें। दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, आप ऑब्वियसली सी बात है आपको एलोपैथिक मेडिसिन एक चल रही होती है, अगर ऐसे में आप ये वाली आप एलोपैथिक छोड़ के एकदम से आप होम्योपैथी में स्विच करते हैं तो आपको डिस्टर्बेंस होने लगेंगे। आपको क्या करना है स्टार्टिंग में दोस्तों, डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लेना है। क्या होता है कि आपका जितना भी एमजी चल रहा हो दोस्तों, आपका जो भी पोटेंसी उस वक्त चल रही है एलोपैथिक मेडिसिन को, उसको डॉक्टर धीरे 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 हम लोग रिड्यूस करते हैं, धीरे 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 कम करते हैं। एकदम से आपकी बॉडी को जो सालों से आदत है वो एकदम से नहीं छोड़ते हैं दोस्तों, धीरे 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 आपकी पोटेंसी कम करके धीरे धीरे हम आपको होम्योपैथी की तरफ लाते हैं, और धीरे 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 आप ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे में आप जो भी मेडिसिन जो हैं अपने तौर पे अपने तरीके से ना लें, डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही मेडिसिन लें दोस्तों। और जो सिम्टम सिमिलैरिटी जो मैंने आपको बताई है, यह हाइपोथायरायडिज्म मोटा होने वाला होता है, केलकेरे काब इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, थायरोडिनम है, फ्यूकस है, ग्रेफाइटिस है, ये सारी समस्याएँ जड़ से आपके थायराइड को ठीक करने में आपकी मदद करती हैं दोस्तों। अब मैंने हाइपरथायरायडिज्म में मतलब जब आपका हार्मोन बढ़ जाता है उसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, उसकी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको हाइपरथायरायडिज्म की समस्या है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।